जय जोहार रायपुर में सब्बो दर्शक मन के स्वागत है। मैं हूं बबीता। अब बढ़थन खबर मंडाहर। सबले पहली देखथन खबर के सुर्खी मल्ला। जांजगीर में प्रधानमंत्री बोली, छत्तीसगढ़ के जनता हवे समझदार, निर्णय ले मा नहीं करे गलती। लड़का बेचने वाला फर्जी महिला डॉक्टर के खिलाफ तेज हो जांच, रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करे मा डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना घलो दर्ज करी शिकायत। और देखा महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड के हाल, पानी सफाई जैसे मूलभूत सुविधा मन के मिली शिकायत। अब खबर विस्तार ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला में पहुंचीस, जेखर बाद झारखंड दौरा ला लौट के पीएम हा सीधा छत्तीसगढ़ पहुंच गए। जांजगीर पहुंचे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पीएम के हेलीपैड में भव्य स्वागत करीस। एखर बाद पीएम ला संगले के सीएम सभा स्थल को ती रवाना हो गए। पीएम मोदी हा किसान मन के एक विशाल आम सभा ला संबोधित करे ले पहली किसान प्रदर्शनी के अवलोकन करी से, जेमा प्रदेश के किसान मन हा अपन उन्नत किस्म मन के उपज के प्रदर्शनी लगाई रही से, जेमा मोदी हा प्रदेश के किसान मन के तारीफ घलो करी से। पीएम मोदी हा जब अपन संबोधन के शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी ला सत प्रणाम ले करी से, जेखर बाद सभा स्थल मा ताली मन के गड़गड़ाहट हा देखत ही बने रही से। पीएम मोदी हा कही सवे कि मैं हा पहली छत्तीसगढ़ के नागरिक मन ला सिर झुका के नमन करत हा। आप मन के प्रेम और आशीर्वाद हा हमला सदा कुछ नवा करे के प्रेरणा देते। ओहा कही सवे कि छत्तीसगढ़ के जनता हा अतना समझदार हवे कि ओहा कभो भी सही निर्णय ले मा गलत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री हा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के तारीफ करत हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हा छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य पर, छत्तीसगढ़ ला आधुनिक बनाए बर और ताकतवर बनाए बर भरसक प्रयास करे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ला याद करत हुए कही सवे कि आज छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड राज्य मन के निर्माण हा ये दर्शाते कि विकास के मामला मा आदरणीय अटल जी के सोच हा कतना दुर्गामी रही से। देश भर मा छत्तीसगढ़ आज सबले प्रगतिशील राज्य मा शुमार हो गए है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन यानी कैट कोती ले 28 सितंबर के कराए जात भारत बंद पर प्रदेश के सबो व्यापारी मन कोती ले संग दे जाए के बाद कैट के पदाधिकारी मन हा कहिस। शनिवार के कैट के आला अधिकारी कोती ले शहर के बाजार स्थित सबो दुकान मन मा जाके पोस्टर और पॉम्पलेट बांटे गिस, ताकि व्यापारी वर्ग ला बंद करे के असलियत के जानकारी हो सके। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी हा बताई सवे कि ये विरोध वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील के विरोध में करे जाते। साल ले ये डील के सेती ले रिटेल कारोबार हा बुरा तरह ले प्रभावित हो जाही, और रिटेल कारोबार हा चौपट हो जाए के संगे में ही बेरोजगारी हा घलो बढ़ जाही। ऑनलाइन व्यापार में बहुराष्ट्रीय कंपनी मन के प्रवेश ले देश में करोड़ों लघु उद्योग खुदरा व्यापारी मन पर रोजगार के संकट हा उत्पन्न हो जाही। इसमें मेनली ऑनलाइन व्यापार के विरोध में हम लोग खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान के 7 करोड़ छोटे व्यापारी और छत्तीसगढ़ के 6 लाख छोटे व्यापारी और जो हमारे साथ जो सहयोगी हमारे साथ काम करते हैं वो लगभग पूरे हिंदुस्तान में 28 करोड़ हैं और 24 लाख छत्तीसगढ़ है, मतलब छत्तीसगढ़ में 30 लाख परिवार और हिंदुस्तान में 35 करोड़ परिवार का भविष्य क्वेश्चन मार्क में। अब ये खाली वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील नहीं रही, इसके आगे हो गया। अब रिलायंस और अलीबाबा की बातचीत चालू हो गई है, अमेजोन और बिरला जी का उनका जो ऑफलाइन कंपनी है उससे बात हो रही है, फ्यूचर से बात हो रही है। तो अब ये तीन बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर हिंदुस्तान में अपना पैर जमाती है तो 90% रिटेल कारोबार इनके पास चले जाएगा। तो जो 35 करोड़ परिवार हैं हिंदुस्तान के और 30 लाख परिवार छत्तीसगढ़ के, वो कि उनका रोजी रोटी का संकट आ जाएगा पूरा। देखिए, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में पूरा प्रयास किया है कि सभी व्यापारी संघ से समर्थन हो जाए, और मैं समझता हूँ 90 से 95% हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। 90 से 95% व्यापारी जो संस्था है जो छत्तीसगढ़ में काम कर रही है उनका समर्थन हो गया है। आज हम लोग इसी में जो 5% हमारे जो लोग रह गए हैं उन्हीं से समर्थन जुटाने के लिए निकल रहे हैं, और ये बंद पूर्णतः सफल होगा क्योंकि ये व्यापारी खुद के लिए जो है बंद कर रहे हैं। आज तक हम लोग राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट देते थे उनके कारण के लिए, उनके किसी व्यवस्था को लेकर बंद को हम लोग समर्थन देते थे। आज व्यापारी समाज पे खुद पे बात आई है, इसलिए बंद 100% सफल होगा। छत्तीसगढ़ आप देखिएगा पूर्णतः बंद रहेगा और ऐतिहासिक बंद होगा। विधानसभा चुनाव पर भाजपा हा अपन रणनीति ला चुस्त कर ले है। एक घाव के चुनाव में भाजपा हा कांग्रेस के अलावा जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हा पटखनी दे बर अपन नीति ला अमली जामा पहना दे है। भाजपा हा संगठन के सबो पदाधिकारी मन ला चुनाव के पहली घर घर जाके दस्तक दे के फरमान जारी घलो कर दे है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कर्मचारी मन के आंदोलन, आदिवासी मन के नाराजगी और एसटीएससी बिल के बाद सवर्ण समाज के विरोध ले
भाजपा ला ओकरे गढ़ में ही चुनौती मिलत है। बछर 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के मैदानी इलाका मन में जीत दर्ज करके सत्ता ला बचाए में सफलता पाई रही से। फेरे चुनाव में किसान मन के नाराजगी ला लेके बेरोजगार युवा मन के विरोध सरकार ले झेलना पड़ा थे। रायपुर बिलासपुर और दुर्ग संभाग के 61 ले 38 सीट में भाजपा हा जीत ला दर्ज करे रही से। इन चुनाव के मौका में पहली सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी मन हा सरकार के खिलाफ नाराजगी जतावत हुए धरना प्रदर्शन के दौर ला जारी रखे है, जेखर ले नाराजगी हा आगू आए हुए। राज्य निर्माण के बाद अब तक हुए 3 चुनाव में संभाग के कोनो भी सीट में भाजपा कांग्रेस के अलावा कोनो तीसर पार्टी हा जीत दर्ज नहीं कर पाए। फेरे गांव के चुनाव में जोगी कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी हा घलो वोटर मन के आगू अपन ताल ठोक दे है। ऐसे में सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ला अपन चौथा जीत पर 15 बछर के सरकारी योजना मन ला घर घर तक पहुँचाना पड़त है। भाजपा के प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने के मानना हवे की राज्य सरकार केंद्र सरकार कोती ले लगातार जनहित के कार्य करे गए है। ऐसे में चौथा घाव घलो कोनो नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि बीते चुनाव की अपेक्षा ये चुनाव में मिले टारगेट 65 ला घलो भाजपा हा पार कर ले ही और संगे में ही उपासने हा सबो आरोप ला खारिज कर दे है। देखिए, हर चुनाव हमारे लिए एक चुनौती होता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आक्रोश है या शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि जिन क्षेत्रों में हम पराजित हुए थे उन क्षेत्रों में भी आज जो विकास हुआ है उससे कहीं ना कहीं मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रभावित हुआ है, विशेषकर नौजवान जिनके लिए सब प्रकार की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। हम तो स्वाभाविक रूप से अपनी मेहनत हर चुनाव में करते हैं और हर चुनाव में हमारी मेहनत का पैमाना पिछले चुनाव से ज़्यादा ही होता है, इसलिए ये कोई बात नहीं कि हम भय के मारे कर रहे हैं या कमजोरी के कारण कर रहे हैं। हम अपनी एक स्वाभाविक जो शक्ति है वो लगा लगा कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो शक्ति हमारी प्रति चुनाव में बढ़ती जाती है, उस हिसाब से हम पिछला आकलन करते हैं, अगली बार की रणनीति और मजबूत बनाते हैं। बहरहाल बछर 2018 के आखिरी माह हुवैया विधानसभा चुनाव पर भाजपा हा अपन पकड़ ला मजबूत करे मा पीछे नहीं है। संघ के आदेश ला मान के पार्टी हा जीत पर पूरा रणनीति ला बना ले है, हालांकि इला सार्वजनिक नहीं करे है, फिर जीत के दाव ला इही आधार मा करे जाते। देश टीवी पर कैमरामैन ऋषि ताम के साथ सौरभ भट्टाचार्य की रिपोर्ट।